वीवो आईपीएल की तैयारी लगभग सभी टीमों ने जो कि स्टार्ट कर दी हैं, और ऐसे में गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कौन कौन से खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा गाइस वेट करेंगे एंड सबसे ज़्यादा ताकत लगा देगी अपनी टीम में शामिल करने के लिए, और सबसे ज़्यादा पैसे भी बरसाने वाली है उस खिलाड़ी के ऊपर। तो गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइस अगर आप लोग रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आईपीएल फैन आर्मी के साथ, आरसीबी फैन आर्मी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे हमारे सभी आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी, उसको सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस अब हम बात करते हैं आरसीबी कौन से प्लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो गाइस उस खिलाड़ी का नाम है मिचेल स्टार्क। जी हाँ गाइस, मिचेल स्टार्क के ऊपर इस साल आरसीबी बुरी तरीके से निगाह रख चुकी है, और गाइस वो अपनी टीम में मिचेल स्टार्क को शामिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इस साल के आईपीएल में अगर यहाँ पे आरसीबी की टीम मार्कस स्टॉइनिस, मोइन अली जैसे प्लेयर्स को, शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स को अगर रिलीज करते हैं तो गाइस इसका मतलब है कि पूरी तरीके से मिचेल स्टार्क के ऊपर पैसा बरसने वाला है। और इस बार मिचेल स्टार्क के पीछे बहुत बड़े बड़े टीमें भी भागने वाली है, इसी वजह से जो कि मिचेल स्टार्क का और भी प्राइस जो कि बढ़ सकता है। कम से कम आप लोग मान के 7 से 8 करोड़ तो लगभग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इतने बड़े बड़े टीमों जो कि पूरी तरीके से भागने वाले हैं, तो फिर आरसीबी के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा कि हमें मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्हें बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स को जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा अपने टीम से। मार्कस स्टॉइनिस को सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि 6.5 करोड़ रुपये लेके वो बैठे हुए हैं, तो उनको सबसे पहले रिलीज करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जिसके ऊपर गाइस आरसीबी बिड करने वाली है, और गाइस इस खिलाड़ी के ऊपर भी पैसा इस बार बरसने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है कैसे भाई, ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ गाइस, ग्लेन मैक्सवेल का जिस तरीके से परफॉर्मेंस और भी जो कि निखरता जा रहा है, और भी मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते जा रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल, और ऐसे में कैसे भाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपने टीम में शामिल करने के लिए बुरी तरीके से जी जान लगा देगी, और जितने भी पैसे हो वो इन्वेस्ट करेगी ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। क्योंकि कैसे अगर मोइन अली, मार्कस स्टॉइनिस भी अगर नहीं रहेंगे तो कैसे ग्लेन मैक्सवेल अभी जिस तगड़े फॉर्म में चल रहे तो कैसे उसमें वो काफ़ी अच्छा फायदा दे सकते हैं आरसीबी को, और इतने अच्छे परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। और गाइस आरसीबी पूरी तरीके से जैसे कि निगाहें रख चुकी है जो जो प्लेयर के ऊपर वो टारगेट करने वाले, सीपीएल को भी वो टारगेट कर रहे हैं, और सीपीएल में बहुत सारे जो कि सितारे उभरे हैं, कर्नाटक का प्रीमियर लीग में उभरे हैं सितारे, तो उस प्लेयर लीग को कैसे पूरी तरीके से देख रहे थे, और कैसे उन्होंने जो कि प्लेयर्स को पिक कर लिए, और जैसे जैसे मेरे को अपडेट आता रहेगा तो मैं आप सभी को बताते जाऊँगा। और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर पूरी तरीके से निगाहें रख चुकी है आरसीबी, माइक हसन ने जो कि पूरी तरीके से हर एक चीज़ का अपडेट हो आरसीबी तक पहुँचा रहे हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, क्या ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल स्टार्क आरसीबी की टीम में आएंगे तो आरसीबी की टीम पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी या नहीं रहेगी। तो गाइज इस बार में आपका जो भी ओपिनियन है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना ओपिनियन दीजिए, और गाइज आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग आरसीबी के बहुत बड़े वाले फैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा जिससे हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे।